दोस्तों, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बलरामपुर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल या स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो इस प्रकार है। 3,23,761 का वर्गमूल निकालना है, जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 3,23,761 को हम रूट के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। 3,23,761 तरीका क्या है स्क्वायर रूट निकालने का, वो भी डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको। सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिए इसको, 32,37,61, यानी 3,30,761 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे। किस तरफ से जोड़ा बनाएंगे? अपने दाएं साइड से। ठीक है, तो 32,37,61 का जोड़ा बन गया है। लेकिन इसमें जो पहाड़ पढ़ने का तरीका है कुछ अलग है। इस तरीके से है, एक अकन्नम, एक, दो दुन्ना चार, तीन त्रिक्का नौ, चार चौक 16, पांच को जब पांच से गुणा करेंगे तब 25 होगा, छह को जब छह से गुणा करेंगे तब 36 होगा, सात को जब सात से गुणा करेंगे तब 49 होगा, आठ को जब आठ से गुणा करेंगे तब 64 होगा, नौ को जब नौ से गुणा करेंगे तब 81 होगा, जब 10 को 10 से गुणा करेंगे तब 100 होगा। इस तरीके से 11 से 12 से 13 से आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 32, 37 और 61 का जोड़ा बना है, तो 36 32 से ज्यादा है। अगर हम छकाक 36 करते हैं तो 36 32 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं सही रहेगा, आपका पचहम 25 ही सही रहेगा। ठीक है, तो पचहम 25, उसके बाद घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब 12 में से 5 को निकालेंगे तब 7 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये जो 5 लिखा यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, 5 5 10 होता है। उसके बाद आप जो पेयर बना है, जो जोड़ा बना है, उसको आप ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 733 आया है, यहाँ पर 10 आया है। अब आप आगे क्या करेंगे उसको देखिए। ठीक है, जो भी हम रफ कार करेंगे इधर ही करेंगे। ठीक है, चलिए 10 को मतलब लिखते हैं। लेकिन इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर आप 5 बार लेके जाते हैं तो इधर 5 लिखना होगा, इधर भी 5 लिखना होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पचहम 25, पाँच एकन्नम 5, 525 इस 737 है, जो काफी कम है। ठीक है, तो ये नहीं सही रहेगा। चलिए हम 6 से चेक करते हैं, फिर आप 10 लिखिए। ये नंबर अपना बदलता रहिए, आप इसको बदलते रहिए। छकाक 36, 6 कन्नम 6, यहाँ पे 737 है, ये आपका 636 है। चलिए और चेक कर लेते थोड़ा, फिर लिखिए 10। अब किस 7 से करिए, मतलब ये नंबर, ये नंबर, ये आपका बदलता रहेगा, ये अंक आपका इधर वाला जो अंक है बदलता रहेगा। तो 7 7 49, 7 कन्नम 7, 749 आया है, यानी 749 737 से ज्यादा है, यानी ये भी नहीं रहेगा ना ये रहेगा, ये वाला आपका सही रहेगा 6 बार। तो 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए और 6 यहाँ लिखिए। ठीक है, तो छकाहक 36 के 3600 रहेगा और 6 कन्नम 6 रहेगा। ठीक है, 7 में से 6 निकालेंगे, बचा 1, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 6 12, 112। उसके बाद आप फिर से जो पियर बना है इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, फिर से चेक करते हैं हम, यहां से देखिएगा, यहां पे मेरा 2 अंक था तो 3 अंक तैयार हुआ था, यहां पर 3 अंक है तो 4 अंक से तैयार हो गई है। 1 1 2 लिखिए, लेकिन आप चलिए हम इसको 8 से चेक करते हैं। 8 से 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 2 16 और 6 22,
22 का 2 हासिल 2, 8 का नम 8, 2 10 हासिल 1, 8 का नम 8 1 9, ये वाला आया। चलिए 9 से चेक करते हैं, फिर आप 1 1 2 लिखिए, इस बार एट एट नहीं रहेगा, 9 9 रहेगा। चलिए जब कंफर्म हो जाएगा तब आप यहाँ लिखिएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26 के 6 हासिल 2, 9 का नम 9, 2 11, फिर 9 का नम 9 1 10, आ गया ना 10 16 1, 10 16 1, यानी 9 वाला सही है। तो 9 आपको यहाँ भी लिखना है, 9 यहाँ भी लिखना है, 9 यहाँ भी लिखना है, ठीक है। तो 9 81 जो मेरा ये आया है आप यहाँ लिख दीजिए, यानी 101 इस तरीके से आया है। घटाएंगे आप तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इस तरीके से आपका ये स्क्वायर रूट जो है 3,30,761 का आया है 569, आप यहाँ लिख सकते हो 569। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।